4 जून 2023 को यूक्रेन ने अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू की थी, जिसका मकसद था रूस की सेना से अपने इलाकों को दोबारा से आजाद कराना। लेकिन इस पूरी कार्रवाई में यूक्रेन को अभी तक कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी है। यहां तक कि यूक्रेनी सेना रूस के पहले सुरक्षा घेरे को भेदने में भी नाकाम रही है, और यही वजह है कि अब यूक्रेनी सरकार और सेना में दो फाड़ की नौबत आ गई है। दरअसल यूक्रेनी मिलिट्री के मुखिया वैलेरी ज़ेलुज़नी ने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कहा है कि युद्ध अब गतिरोध की स्थिति में पहुंच गया है, जहां पर दो देश जिस स्थिति में है वो वैसा ही रहेगा, स्थिति को बदला नहीं जा सकता है। लेकिन उनके इस बयान का यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की दफ्तर के डिप्टी हेड इगोर ज़ोवका ने खंडन किया है। उनका कहना है कि ज़ेलुज़नी के इंटरव्यू को बेहद ही सावधानी पूर्वक पढ़ा जाना चाहिए, उल्लेखों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचा जाना चाहिए। इगोर का कहना है कि ज़ेलुज़नी के बयान के बाद सहयोगी देशों ने उन्हें फोन करके अपनी बेचैनी जाहिर की है। इगोर ने ज़ेलुज़नी के बयान पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि इस आर्टिकल के जरिए क्या हम ये प्रभाव हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि शायद ये बहुत गहरी रणनीतिक योजना है और इस तरह हमें कुछ सफलता भी मिलेगी, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मैं बहुत हैरान हूं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने भी ज़ेलुज़नी के आकलन पर असहमति जताई है। हालांकि उन्होंने ये जरूर माना है कि 18 महीने तक युद्ध में रहने से लोग थक चुके हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि लोग थक चुके हैं, हर कोई थक चुका है, सभी इंसान हैं, सबका अलग अलग नजरिया है, लेकिन युद्ध गतिरोध की स्थिति में नहीं है। मैं ये दोबारा कह रहा हूँ, हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, ये किसी तरह की खबर नहीं है। आपको बता दें कि जब से मिडिल ईस्ट में इसराइल हमास के बीच जंग छिड़ी है, तब से ही पश्चिमी देशों समेत अमेरिका का ध्यान इसराइल पर चला गया है, और अमेरिका और पश्चिमी देश इसराइल की हर तरह से मदद कर रहे हैं। और यूक्रेन के राष्ट्रपति से लेकर सेना प्रमुख का मानना है कि इससे यूक्रेन को मिलने वाली मदद कम हुई है, जिससे युद्ध और जटिल होता जा रहा है।